आप देख रहे हैं आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। धार पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों का गबन करने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा। प्रेस वार्ता कर पुलिस ने किया खुलासा, गबन की गई लाखों की राशि भी की गई जब्त। धार एसपी और उनकी टीम को लगातार मिल रही है सफलता। आपको बता दें, धार पुलिस ने विगत दिनों महिंद्रा शोरूम पर हुए गबन का आज खुलासा करते हुए लाखों का गबन करने वाले मास्टरमाइंड कैशियर को पकड़ा और गबन हुई राशि को भी जब्त किया गया। क्रिकेट के ऑनलाइन सट्टे में लगाने वाले सहित इस घटना से जुड़े सट्टा चलाने वाले चार सटोरियों को भी पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की। महिंद्रा शोरूम धार के कैशियर एजेंट अश्विन गोस्वामी द्वारा 1 अप्रैल से 9 जून 2022 तक की अवधि में शोरूम एंड वर्कशॉप की राशि को अलग अलग दुकानों में टुकड़ों टुकड़ों में कंपनी के विश्वास का अपराधी हनन करते हुए कुल 49,09,933 रुपए का गबन किया तथा 10 जून से नौकरी पर आना बंद कर दिया और अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। उक्त घटना को धार पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और आरोपी की तलाश शुरू की गई। मुखबिर की सूचना पर 28 जून को फरार आरोपी अश्विन पिता दिनेश गोस्वामी निवासी ग्राम अवली तहसील अंजड़ जिला बड़वानी हाल मुकाम इंदिरा कॉलोनी धार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिस पर अश्विन ने बताया कि सिंघाना तहसील के मनावर के रहने वाले क्रिकेट के नामचीन सटोरिये राजदीप हम्बड़, सावन राठौड़ और पारस अग्रवाल ने उसे उकसाया और ऑनलाइन सट्टा खेलकर 3 गुना राशि का आधा आधा बांटने का लालच भी दिया, जिन्हें धार पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गबन की गई राशि भी जब्त की। क्या है पूरा मामला, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। ये जो एक प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहाँ पर एक सोम्या शोरूम है व्हीकल का, जो महिंद्रा का अधिकृत शोरूम है, उसमें एक अश्विन गोस्वामी जो कि उनका कैशियर था, उसके द्वारा करीब यहाँ पर 50 लाख का गबन किया था। जो ग्राहक उसके यहाँ पर डाउन पेमेंट कैश में जमा करते थे, उस पेमेंट को बैंक में न जमा करके उसके द्वारा इसका गबन किया गया। उसने इस पैसे का IPL या अन्य जो क्रिकेट के सट्टा है उसमें उपयोग किया और उस पूरा पैसे को खत्म किया। जब कर्मचारी की सैलरी बांटने की बारी आई थी उस वक्त इस चीज़ का खुलासा हुआ और वो गायब हो गया। कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जब इसमें रिपोर्ट की गई, पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया, जो कि एक बड़ा मामला था। पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह साहब के द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CSP धार देवेंद्र धुर्वे, थाना प्रभारी समीर, सौरभ शुक्ला और उनकी पूरी जो टीम है और साइबर की टीम इस केस को खंगालने में लगी। और जब पता किया तो इसमें मुख्य रूप से सिंघाना के कुछ सटोरिये जो कि इस केस में सामने आए, जिसमें राजदीप पिता जगदीश हम्बड़, सावन पिता हेमंत राठौर और प्रदीप पिता हेमाजी राठौर, ये तीनों सिंघाना के रहने वाले ये मुख्य कल्प्रिट हैं। साथ ही पारस पिता रतनलाल अग्रवाल धानमंडी धार, इनके द्वारा इस पैसे को उसको उकसा कर सट्टे में यूज़ करवाया गया और उसमें ये हारा है, जिस पर ये चीज़ सामने आई। पुलिस के द्वारा इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और करीब 48-49 लाख के संबंध में जो भी पैसा हुआ शोरूम से उसको रिकवर भी किया है। पुलिस इसके अन्य पहलुओं को भी जांच में लगी और शीघ्र ही इसमें और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा हमारे कई कर्मचारी भी हैं, प्रधान आरक्षक योगेश, आसिफ, सुनील, प्रदीप पाटिल, अरविंद चौहान, सोम जादौन, शिव वास्के और साइबर सेल के प्रशांत, इनके द्वारा भी इसमें रात दिन लग के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पूरा प्रकरण में जो भी जो पैसा गया था, जो गबन किया था, उस पैसे को जब्त किया गया। सर, इससे पहले भी सिंघाना में कई बार सट्टा पकड़ा गया है, लेकिन अभी सट्टा में चालू है, क्या चुके प्रभारी पे भी कार्रवाई होगी? सिंघाना में पहले भी सट्टे की आई और सिंघाना में पहले भी सट्टे की बहुत कार्रवाई हुई, आगे भी हम लगातार कार्रवाई करेंगे। सर, धरना के लेकर भी खुलासा हुआ है।